भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है। इसे लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते शनिवार मुलाकात भी की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहमति बनी और ऐलान किया गया कि भारत अब बांग्लादेश की तीस्ता नदी के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, जिसे अब कूटनीतिक रूप से चीन की बड़ी हार माना जा रहा है। कैसे, उससे पहले आपको इस तीस्ता नदी के पूरे मसले पर बताते हैं। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 54 नदियां साझा करते हैं। इनमें से एक है तीस्ता नदी। लगभग 400 किलोमीटर लंबी ये नदी हिमालय के पोहनरी ग्लेशियर से निकलती है, जो सिक्किम से सटा हुआ है। यहां से तीस्ता पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, जहां आगे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। नदी का 300 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा हिस्सा हमारे, जबकि 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा हिस्सा बांग्लादेश में है। सिक्किम की पूरी लंबाई में बहने वाली तीस्ता नदी को राज्य की जीवन रेखा माना जाता है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों के किसान तीस्ता नदी के पानी पर निर्भर करते हैं। वहीं बांग्लादेश में भी इस नदी से काफी मदद मिलती है। बांग्लादेश के 14% इलाकों को सिंचाई के लिए इस नदी से पानी मिलता है। यहाँ तीस्ता नदी का जल विवाद भी है, क्योंकि तीस्ता नदी का आधे से ज्यादा हिस्सा भारतीय सीमा में बहता है, जबकि 1/4 बांग्लादेश में, और पड़ोसी देश का कहना है कि उसे नदी के पानी का 50% मिले, खासकर सूखे मौसम में, ताकि पानी की जरूरत पूरी हो सके। भारत का प्रस्ताव है कि बांग्लादेश को 37.5% दिया जाए, जबकि 42.5% भारत के खुद के पास रहेगा, वहीं बाकी हिस्सा नेचुरली फ्लो करेगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में सिंचाई और मछली पालन जैसे कामों के लिए तीस्ता से नहरें जाती हैं, और आगे भी ऐसी योजनाएं हैं। बांग्लादेश इस बात पर नाराजगी जताता रहा है कि नहरें होने पर उस पर पहुंच रहा नदी का पानी और कम हो जाएगा। इस पर पश्चिम बंगाल के सीएम का कहना है कि जल बंटवारे की वजह से बंगाल में कटाव, बाढ़ और गाद की समस्याएं बढ़ने लगी। ऐसा नहीं है कि ये विरोध पहली बार है। साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान ये समझौता होना था। टीम में ममता बनर्जी भी शामिल थी, लेकिन न केवल उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, बल्कि समझौता भी टल गया था। उनका कहना था कि इससे बंगाल के उत्तरी हिस्से में पानी घट जाएगा। इसकी वजह यह है कि गंगा के बाद तीस्ता पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आरोप है कि इस पर बांध बनाने से पानी का बहाव सीमित हो जाएगा। अब तीस्ता रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत भारत से एक तकनीकी टीम बांग्लादेश जाएगी, जहां स्टडी के बाद कई चीजें तय होंगी। इसमें नदी के जल का मैनेजमेंट और उसके संरक्षण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है। ये योजना अच्छी खासी खर्चीली हो सकती है। दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी पर बनी सहमति चीन को मिली एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में चीन लंबे समय से दिलचस्पी दिखाता रहा है। चीन ने बांग्लादेश को लुभावना प्रपोजल तक दे दिया था, जो कि इस प्रोजेक्ट के कुल खर्च का 15% खुद वहन करेगा, जबकि बाकी खर्च कर्ज होगा। इसके पीछे चीन की सोच ये थी कि अगर बांग्लादेश बीजिंग को हामी भर दे तो उस देश से सटी भारतीय सीमा पर उसकी मौजूदगी बढ़ जाएगी। दरअसल शेख हसीना सरकार 3 साल पहले तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना लाई थी। परियोजना का मकसद नदी की सफाई करना और उसका पुराना स्वरूप वापस लाना था। इसमें मानसून के अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए एक बड़े जलाशय बनाना और पास के शहरों में चौड़ी सड़कें बनाना भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट की संभावित लागत $1 अरब यानी कि 8,300 करोड़ रुपया की गई है। साल 2020 में चीन ने तीस्ता प्रबंधन और संरक्षण परियोजना में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी। फिर दिसंबर 2023 में चीनी राजदूत ने ढाका में एक सम्मेलन में कहा कि चीन ने कम लागत में नदी के प्रबंधन का प्रस्ताव बांग्लादेश को दिया है। हालांकि अभी तक इस पर शेख हसीना की सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया था। क्रॉस बॉर्डर रिवर इश्यू दो पड़ोसी देशों में आम है। भारत और बांग्लादेश से लेकर भारत और नेपाल के बीच भी नदियों को लेकर विवाद होता रहा है, लेकिन तीस्ता नदी हमारे लिए काफी अहम है, खासकर इसलिए कि चीन भी इसमें दिलचस्पी ले रहा है। बीजिंग इस पर भारी रकम लगाने को यूं ही तैयार नहीं है। दरअसल प्रोजेक्ट साइट चिकन नेक के करीब है। ये पश्चिम बंगाल में लगभग 28 किलोमीटर का वो हिस्सा है जो पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। इसके पास बांग्लादेश और नेपाल भी है। ऐसे में अगर चीन किसी भी तरह से ढाका को अपनी तरफ मोड़ ले तो सुरक्षा के लिहाज से ये खतरनाक हो सकता है। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचकार ऋषभ ने। स्टोरी पर आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।